अगर डॉक्टर सविता रॉय को बर्खास्त नहीं किया गया फिर आप क्या करेंगे? उसकी ऐसी की तहसीब, वो क्या है मच्छर, उससे लड़ाई थोड़ी है हमारी, उसको तो ऐसे ही कर देंगे। लड़ाई वाइस चांसलर, लड़ाई मोदी जी से, लड़ाई आरएसएस के नेक्सस जो यूनिवर्सिटी में जातिवादियों का खड़ा बना रखा है इनसे है, मनुवाद से। इस मनुवाद खत्म हमने करना है, हमने ठाना अम्बेडकर वादियों की ताकत देख लो आज आप सड़कों पे। उनकी चूल्हे तो जरूर हिल गई है, वो लोग समझ गए कि समतावादी जो समाज का सपना देते हैं वो लोग, वो बहुजन लोग आज मैदान में हैं। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में पूर्णतः सहयोग करा, अपनी जान गवाई, वो डरने वाले नहीं है किसी से भी। हम अभी भी खुला कैमरे पे बोल रहे हैं, हम डरने वाले नहीं है, हम थोड़ी जिंदगी जिएंगे लेकिन जिएंगे सम्मान के साथ जिंदगी। हम मरने कटने के लिए तैयार है। अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। अम्बेडकरवादी जाग चुका, मनवादी भाग चुका, हम लड़ते रहेंगे। आज ये पहली आप झलक जो देख रहे हैं ये सरकार को एक चेतावनी, अगर अभी भी सरकार नहीं समझी और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, उसको सस्पेंड नहीं करती, इससे बड़ा आंदोलन होगा। मोदी कभी किसी को न्याय देगा नहीं, नहीं आएगा कोई मोदी, मोदी नहीं आएगा जहां बहुजनों की सरकार आएगी। जिसकी भी सरकार आई, जो भी सत्ता पर काबिज हुआ, उसने बहुजनों को साथ ही दगा किया, उनके साथ जुल्म किया, जैसे आज भी हो रहा है। 2024 में मोदी को दिने तारे दिखा देंगे। विश्वविद्यालय में तो जो डॉक्टर रितु सिंह का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको कम से कम एक महीने से ऊपर हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई है और यहाँ पे हम दौलत राम कॉलेज के सामने खड़े हैं जहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि डॉक्टर सविता रॉय जो है उनको बाहर निकाला जाए, उनके खिलाफ यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे लाखों के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आप नारे देखिए जो डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि डॉक्टर जो सविता रॉय है प्रिंसिपल, उसको बर्खास्त किया जाए वरना ये आगे और भी बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आए हैं। डॉक्टर रितु सिंह भी अपनी बातें जारी रखी बोल रही हैं, अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। तो आप डॉक्टर रितु सिंह का समर्थन देने आए हो? हाँ जी, क्या कहेंगे? उसमें हम वही कहेंगे जो हम कह रहे हैं, क्या बताइए ना। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका पूरा मार्च चल रहा है, बोलती जा, यहाँ पे इनका पूरा मार्च चल रहा है। डॉक्टर भीम जो अम्बेडकर है उनके नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम इनसे पूछेंगे जो आपका जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है ये कब तक चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा और संविधान और कानून के तहत कार्रवाई सरकार नहीं करेगी तब तक आंदोलन चलेगा। डॉक्टर सविता रॉय को अगर ये लोग बर्खास्त नहीं करते तो फिर आगे और क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लड़ते रहेंगे। आज ये पहली आप झलक जो देख रहे हैं ये सरकार को एक चेतावनी है, अगर अभी भी सरकार नहीं समझी और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, उसको सस्पेंड नहीं करती, इससे बड़ा आंदोलन होगा। कहां-कहां से लोग आए हैं? कहां-कहां से लोग आए हैं? इस समय जो लोग आए हैं वो दिल्ली के अलावा हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, उत्तरांचल से लोग हैं और मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं और उत्तर प्रदेश से लोग हैं। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है वो सबको न्याय दिलवा रही है। कह रही है, न्याय अगर मिलता तो यहाँ सड़क पे क्यों होते? मोदी कभी किसी को न्याय देगा नहीं। मोदी न्याय भी क्या, मोदी अगर कुछ भी देगा तो अपने यारों को देगा, अंबानी और अडानी को, किसी को और कुछ नहीं देगा। जैसे कि जो पत्रकार हैं, न्यूज क्लिक के जो पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं उसमें आप क्या कहेंगे? इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा? मतलब कोई और सबूत चाहिए? आप भी मीडिया के लोग हैं, अगर पत्रकारों को और ऐसे पत्रकारों को जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, जो कभी भी देश के विरोध में, समाज के विरोध में कोई शब्द नहीं बोल सकते, जिन्होंने बोला नहीं है, उनको UAPA में आप उठा के ले जा रहे हो, आप उनके लैपटॉप और उनके जो है जो मोबाइल फोन है गैर कानूनी तरीके से सीज कर रहे हो, आपने उनको कोई FIR नहीं दी, आपने उनको कोई वारंट नहीं दिखाया, आपने उनके खिलाफ जो है जो सर्च वारंट है वो नहीं है, आपने कोई नोटिस नहीं दिया और आप किसी के घर पहुंचाते? इससे बड़ी गुंडागर्दी सरकार की और क्या होगी? और इससे बड़ी न्याय की, संविधान की, लोकतंत्र की और प्रेस की आजादी की हत्या और क्या होगी? सर, अभी आपने संजय सिंह की बात करी तो EDI ने कहीं ना कहीं सवाल उठाया है कि संजय सिंह ने हमारे साथ सहमति नहीं करी है, कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस दौर में। नहीं, मैंने तो संजय सिंह की बात नहीं करी, पर आप जो संजय सिंह पे बात कर रहे हो वो सिंपल से
मतलब जो पुलिस कहेगी वही, जो जिसको उठा के ले गए उसे वही कहना चाहिए जो वो कह रहा है। आप उसे रिकॉर्ड करो, अगर सच है गलत है सबूतों के साथ में आप उसको प्रूव करो कि ये जो कह रहा है गलत कह रहा है, सच ये है, सबूत क्यों नहीं दिखाते हो आप भाई। संजय सिंह ने अगर अपराध किया है तो आप संजय सिंह की बात को गलत साबित करने के लिए सबूत लाओ और सबूत के आधार पर उसे सिद्ध करो। आपके पास ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए आप जो भी कर रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि लोगों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है और वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर सविता रॉय है उनको बर्खास्त करो, जो ये ऐसे लोगों को निकाल तो इनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर सविता रॉय है, अगर उनको बर्खास्त नहीं किया गया फिर आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, जो 2024 में मोदी को दिने तारे दिखा देंगे और क्या करेंगे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना लिख के ले लो 2024 में वही आएंगे। नहीं आएगा कोई मोदी नहीं आएगा, जहाँ बहुजनों की सरकार आएगी। जैसे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया कल ही, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? किसको? संजय सिंह को गिरफ्तार, जो आम आदमी पार्टी के नेता थे संजय सिंह, उनको भी गिरफ्तार कर। ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो जे आर एस एस की दोनों पार्टियाँ उपजे हैं, ये एक दूसरे से खेल लुका छुपी खेल रहे हैं और कोई बात नहीं है। चाहे वो आप हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी हो, जिसकी भी सरकार आई, जो भी सत्ता पर काबू हुआ, उसने बहुजनों को साथ ही दगा किया, उनके साथ जुल्म किया, जैसे आज भी हो रहा है। जो ये मार्च ये कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक धरना लगा हुआ, 4 नंबर गेट पर। 4 नंबर गेट तक जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पूरा मार्च है 4 नंबर गेट तक जाएगा और यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में आए, हजारों की तादाद में आए हैं और नारे लगा रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जब तक ये न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सविता रॉय सस्पेंड होकर जेल नहीं जाएगी, तब तक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही हाल होगा। आज आपने मार्च निकाले, अगर आज भी आपकी बात नहीं सुनी गई फिर आगे क्या आपकी रणनीति है? अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। अभी हम बताना चाहते हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी से स्टाफ को कि अभी ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, हम भी मरने कटने के लिए तैयार है। अम्बेडकरवादी जाग चुका, मनवादी भाग चुका, अम्बेडकरवादी जाग चुका, मनवादी भाग चुका। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अम्बेडकरवादी जाग चुके हैं और मोदी भाग चुके हैं, ऐसे ही करके नारे लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर इनको न्याय नहीं दिया जाता तो 2024 में मोदी की सरकार नहीं आएगी। तो इसी पे हम देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे अम्बेडकरवादियों के नारे लगाए जा रहे हैं और जो ये डॉक्टर रितु सिंह का जो ये प्रोटेस्ट है, आज इसको 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो उसी को लेकर इन्होंने मार्च निकाला है और हजारों की तादाद में कई कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो अम्बेडकरवादी, अगर इनको न्याय नहीं दिया जाएगा तो आगे भी इस पर ये लोग बहुत ही बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जैसे कि देख लीजिए मार्च आगे बढ़ता चला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इनको आगे इधर भी न्याय नहीं मिलता और डॉक्टर सविता रॉय को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो आगे ये लोग और भी बड़ा मार्च निकालेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा मार्च जो निकाला जा रहा है और हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर रितु सिंह से बात करें। अगर डॉक्टर सविता रॉय को बर्खास्त नहीं किया गया फिर आप क्या करेंगे? उसकी ऐसी की तहसीब, वो क्या है मच्छर, उससे लड़ाई थोड़ी है हमारी, उसको तो ऐसे ही कर देंगे। लड़ाई वाइस चांसलर, लड़ाई मोदी जी से, लड़ाई आरएसएस के नेक्सस जो यूनिवर्सिटी में जातिवादियों का खड़ा बना रखा है इनसे है, मनुवाद से। इस मनुवाद को खत्म हमने करना है, खत्म हमने करना है, हमने ठाना है। अम्बेडकर वादियों की ताकत देख लो आज आप सड़कों पर, ये भाई साहब बताएंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर आने के बाद? लगता है कि आगे बात पहुंचेगी? देखो आज हर हालत में उनकी चूल्हे तो जरूर हिल गई है, वो लोग समझ गए कि समतावादी जो समाज का सपना देते हैं वो लोग, वो बहुजन लोग आज मैदान में हैं, वो लोग अपनी ताकत किसी तरीके से यूनाइट होकर दिखाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उनकी लड़ाई सिर्फ डॉक्टर सविता रॉय से नहीं है, उनकी लड़ाई पूरे कॉलेज के लोगों से है, जिन पे बच्चों पे जो अत्याचार करा जाता है, बहुजन लोगों पे जो अत्याचार करा जाता है, उन्हीं से इनकी पूरी लड़ाई है कि उनको न्याय दिलवाएंगे। तो क्या कहेंगे अगर आपका ये मार्च कहाँ तक जाने वाला है? डीसीओ पे जाएंगे डीसी पे। और अगर डॉक्टर सविता रॉय को इधर बर्खास्त नहीं किया गया फिर क्या? न्याय नहीं मिलेगा, सड़कों पे उतरते रहेंगे लगातार, कविता रॉय को जेल नहीं होगी जब तक। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना कि उनको न्याय मिला है। आपका ये मार्च कहाँ तक जाने वाला है? ये जहाँ हमने धरना लगाया हुआ था
उसी के सामने जो वीसी हाउस है ये धरना वहाँ जाने वाला है बिल्कुल। और अगर आगे इधर इधर इनको न्याय नहीं मिलता है फिर क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अभी ये तो केवल एक छोटी सी कॉल थी जिसमें हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे हम शांतिपूर्ण अगर मांग कर रहे हैं तो प्रशासन को और दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमारी मांग मान लेनी चाहिए। अगर वो नहीं मानेगी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और पूरे देश भर में आंदोलन होगा। जैसे कि मोदी के खिलाफ बोलने वाले लोगों को, जैसे न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए तानाशाही सरकार चल रही है, जो सच बोल रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर UAPA धाराएं लगाई जा रही हैं, लेकिन जो अम्बेडकरवादी लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में पूर्णतः सहयोग करा, अपनी जान गंवाई, वो डरने वाले नहीं है किसी से भी। ये तो आपके कैमरे के माध्यम से सारे सिस्टम देखता होगा, हम अभी भी खुला कैमरे पर बोल रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम थोड़ी ज़िंदगी जियेंगे लेकिन जियेंगे सम्मान के साथ ज़िंदगी। जैसे कि जो संजय सिंह थे उनको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया और आज आम आदमी पार्टी ने जो मार्च निकाला था उस पर भी उनको रोक लगा दी गई, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। देखिए वही ना तानाशाही, जो इनके खिलाफ सारे सबूतों के साथ तमाम आवाम के पास, जो देश भारत देश जिसको ये देश देश कहते हैं, जो भारत देश की आवाम है उसके सामने जब भी सच्चाई जो आदमी जो भी पार्टी लाती है या संगठन लाता है या कोई भी कार्यकर्ता आदमी इंसान लाता है उसको ये लोग जेल में डालने की कोशिश करते हैं, वो भी गंभीर धाराओं के अंतर्गत। जैसा कि ये थे हमारे साथ दिल्ली के संयोजक और इनसे हमने बातचीत करी और जो कह रहे हैं कि जो मोदी द्वारा तानाशाह किया जा रहा है तो इनकी लड़ाई सिर्फ डॉक्टर सविता रॉय से नहीं है, इनकी लड़ाई पूरी उन लोगों से है जो बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं देते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनहित आवाज़।